प्रेरणा कथा, इतनी सी असफलता। अपनी डायरी में लिखते लिखते उनकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। बेटे के जन्म से लेकर उसके इस दुनिया को छोड़कर चले जाने के सभी चित्र एक एक करके उनकी आंखों के सामने तैरने लगे थे। मेरे प्यारे बेटे, सुबह उठने के बाद मेरे मन में कभी कभी कुछ अच्छा सा नाश्ता बाजार से मंगवा कर खा लेने का विचार आता था, परंतु मैं तुम्हारी मम्मी के हाथ की दो सूखी रोटियां रात की बची हुई दाल के साथ खा लेता था। जब मैं अपने दफ्तर जाने से पहले कभी कभी अपने जूतों को देखता था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि उन फटे पुराने जूतों को बदल डालूं, परंतु मैं वही जूते पहनकर दफ्तर चला जाता था। घर से बस स्टॉप और फिर बस से दफ्तर जाते हुए मैं अक्सर सोचा करता था कि मैं भी किस्तों पर एक स्कूटर ले लूं, परंतु मैं पेट्रोल पर खर्च होने वाले पैसों के बारे में सोचकर ही रुक जाता था, क्योंकि स्कूटर पर खर्च होने वाले खर्च को मैं तुम्हारे पर खर्च कर सकता था। बाजार से गुजरते हुए कभी कभी दुकानों में सजाई गई नई नई कमीजों और अन्य कपड़ों को देखकर मुझे भी उनमें से एक आध लेने की इच्छा होती थी, परंतु उनका मूल्य सुनकर ही मैं फिर से सड़क पर चलना शुरू कर देता था। अगर मेरी टूटी फूटी साइकिल कभी खराब हो जाती थी तो मैं इसको घर में ही मरम्मत कर लेता था और शाम को उसी साइकिल पर एक चक्कर लगाकर थोड़ा घुमाता था। यहाँ तक कि मैं अखबार भी नहीं खरीदता था, क्योंकि किसी न किसी पड़ोसी के घर में अखबार मिल ही जाता था। दफ्तर में 8 से 10 घंटे काम करके मैं बहुत थक जाता था, परंतु कुछ पैसे और कमाने के चक्कर में मैं अक्सर 3-4 घंटे ओवरटाइम करता था। तुम्हारी मम्मी को पुरानी साड़ियों में देखकर मेरे दिल में दुख होता था, परंतु मैं उसको नई साड़ी नहीं लाकर देता था। सभी पड़ोसी इतवार के दिन अपने बीवी बच्चों के साथ बाजार, सिनेमा या पिकनिक मनाने जाते थे, परंतु मैं तुमको अपनी साइकिल पर बिठाकर बाजार का एक चक्कर लगवा लाता था और 1-2 रुपए की मिठाई खरीद देता था। मेरे मन में बहुत कुछ करने की इच्छा होती थी, परंतु मैं नहीं करता था, क्योंकि मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में ही सोचता रहता था और उसमें तुम्हारी मम्मी भी मेरा पूरा साथ देती थी। मैंने जो बलिदान तुम्हारे लिए किए उसकी एक बहुत लंबी सूची है। हम तो बस यही चाहते थे कि हमारे बचाए गए पैसे तुम्हारे काम आए और तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो जाए। मैं तुमको जीवन में बहुत ऊपर उठते हुए देखना चाहता था, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था मेरे बेटे कि तुम हमारे बलिदानों को भूल जाओगे और एक दिन परीक्षा में असफल हो जाने के कारण अपने ही जीवन का अंत कर लोगे और हम दोनों को सारे जीवन का दुख दे जाओगे। आज मुझे अपने आप पर दया आ रही है। तुम मेरे इकलौते बेटे थे। मुझे अपने पर तरस आ रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने बलिदान क्यों दिए। न तुम उन बलिदानों के योग्य थे और न मुझे ही वो बलिदान करने चाहिए थे, जिसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, अपनी सब इच्छाएं मार दी। वही नहीं रहा तो क्या लाभ हुआ। तुम जब मेरे घर में मेरे सामने होते थे तो मुझमें धैर्य और आ जाता था और तुमको देखकर एक आशा की किरण जलती रहती थी। तुम्हारे जाने के बाद तो मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं रह गया है। तुम मेरा गौरव हुआ करते थे, परंतु आज तुम्हारे ही कारण मेरा सर शर्म से झुका रहता है और मैं दफ्तर से अपने कमरे और अपने कमरे से दफ्तर आने जाने वाली एक जीती जागती मशीन बन गया हूँ। तुम मेरी शक्ति थे, तुम मेरी आशा थे, परंतु तुमने मुझसे पहले ये दुनिया छोड़कर मुझे मझधार में छोड़ दिया है। तुम्हारी अनुपस्थिति मुझे दिन रात तड़पाती रहती है। अब तो प्रभु से बस यही प्रार्थना करता हूँ
कि समय जल्दी जल्दी बीत जाए, ताकि मुझे इस तरह हर रोज़ तिल तिल करके ना मरना पड़े। हमेशा तुम्हारा, कभी गौरव से सर उठाकर चलने वाला तुम्हारा डैडी। मित्रों, बहुत से बच्चे आजकल परीक्षा में कम अंक आने के कारण या परीक्षा में असफल हो जाने के कारण अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि बच्चों की भौतिक ज़रूरतें पूरी करने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, उनके साथ वार्तालाप जरूरी होता है। माँ बाप को अपने बच्चों को समय समय में ये बताते रहना चाहिए कि छोटी छोटी असफलताओं से जीवन नहीं रुक जाता है, उनको असफल होने पर भी प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। और ऐसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चे को ये लगे कि उसके कारण उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। माँ बाप आज की इस दुनिया में सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं, परंतु उसको एक विचारशील, योग्य और धैर्यवान इंसान बनाने में असफल हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।